रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। प्यारे मित्रों, हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपके जो फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं और SMS आते हैं, उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हमारा ये प्रयत्न व्यर्थ नहीं जा रहा है और आप सब आशीष पा रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम में जो संदेश आते हैं या गवाहियां दिखाई जाती हैं और जो गीत सुनाए जाते हैं, जो आराधना होती है प्रभु की, इन सब बातों के द्वारा आप यीशु के और पास आए और आशीष पाते रहें। प्यारे मित्रों, आप अपने दोस्तों को और अपनी कलीसिया के बाकी विश्वासियों को भी रेज ऑफ होप नामक इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताएं। आपका प्यार जो हमें अब तक मिलता आया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का हम आनंद लें। पहली आयत में लिखा है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। यहाँ पर हम देखते हैं सीरिया के बारे में, सीरिया की सेना का सेनापति नामान। नामान एक शूरवीर व्यक्ति था, एक योद्धा था, उसके द्वारा कई लड़ाइयाँ जीती जा चुकी थी। सारी बातें अच्छी लिखी हैं, पर पहली आयत के अंत में लिखा है वह कोढ़ी था। परमेश्वर ने नामान को इस कोढ़ में से पूरी तरह से चंगा किया, और उसका विवरण हम पाते हैं इसी अध्याय की आगे की आयतों में, उसकी 14वीं आयत में, verse 14। तब नामान ने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तो आज हम देख रहे हैं नामान की चंगाई के बारे में, नामान की चंगाई, द हीलिंग ऑफ नामान। इस कहानी को लगभग सभी प्रभु के लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो दूसरा राजाओं की ये पुस्तक और उसका 5वां अध्याय पढ़ना ना भूलें। कहानी का सार यह है कि सीरिया की सेना के सेनापति, सीरिया की सेना का सेनापति था नामान, पर नामान कोढ़ी था। हुआ यूं कि कुछ समय पहले नामान के नेतृत्व में इज़राइल पर चढ़ाई की गई और सीरिया की फौज को, आराम की फौज को एक बड़ी विजय मिली। तो वो इज़राइल में से बहुत से लोगों को बंदी बनाकर लेकर के आए। इसमें एक छोटी लड़की भी बंदी बनाकर लाई गई, गुलाम बनाकर लाई गई, और वो छोटी लड़की इस सेनापति के घर में काम करने के लिए ठहराई गई। नामान की पत्नी की सेवा करती थी ये छोटी सी लड़की। इस अध्याय में हम देखते हैं एक दिन इस छोटी लड़की ने, इसका नाम नहीं लिखा हुआ, इसकी उम्र नहीं लिखी हुई, केवल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ये काम करने लायक लड़की थी तो इसका मतलब बहुत छोटी नहीं थी, समझदार थी। हो सकता है 13-14 साल की हो या 15-16 साल की हो। एक दिन इस छोटी सी लड़की ने अपनी मालकिन से कहा, अगर मेरे स्वामी अगर इज़राइल में होते तो परमेश्वर उनको चंगा कर देता। मालकिन ने पता लगाया कि भाई लड़की क्यों ऐसा बोल रही है।
मालकिन ने जब सारी बात जान ली तो उसने अपने पति को, नामान को, सेनापति को सारी बातें बता दी। सेनापति नामान ने अपने राजा से एक चिट्ठी लिखवाई और वो चिट्ठी लेकर के इज़राइल के राजा के पास पहुंच गया। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैं अपने सेनापति नामान को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इसको कुष्ठ रोग है और हमें पता चला है कि तुम्हारे यहाँ इसको चंगाई मिल सकती है, तो इसको चंगा करके वापस भेज दो, इसको ठीक करके वापस भेज दो। इज़राइल के राजा ने जैसी चिट्ठी पढ़ी तो उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। उन दिनों में शोक को प्रकट करने का तरीका होता था ऊपर के वस्त्र को फाड़ देना। इज़राइल के राजा ने वस्त्र फाड़ दिए और बोला, ये देखो सीरिया का राजा, आराम का राजा फिर से लड़ाई के लिए बहाना ढूंढ रहा है। उसने अब मेरे पास नामान को भेज दिया कि मैं उसको ठीक करूं, क्या मैं परमेश्वर हूं जो उसको मैं ठीक कर दूं। इज़राइल के राजा का यह विलाप इज़राइल में मौजूद प्रभु के दास नबी एलिशा तक ये बात पहुंची। जैसे ही एलिशा नबी के पास ये बात पहुंची तो एलिशा नबी सारी बातों को समझ गए। एलिशा ने कहा कि उसको मेरे पास भेजो। नामान एलिशा के समझो आश्रम के पास आया। नामान ने सोचा कि मैं तो विजयी सेनापति हूं, मैंने इस प्रांत को पराजित किया था, तो जैसे सब लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, जो भी नबी होगा वो आएगा मेरे सामने झुकेगा और मेरे शरीर के तकलीफ के स्थान पर हाथ फेरेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एलिशा नबी ने अपने चेले को, अपने दास गेहजी को भेज दिया नामान के पास और उससे कहा कि जाओ हमारे यहां यर्दन की नदी है, उस नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, 7 बार गोता लगाओ तो तुम ठीक हो जाओगे। नामान को आ गया गुस्सा। नामान गुस्से में तिल मिलाकर बोला, क्या मेरे इलाके में, क्या मेरे देश में पवित्र नदियां नहीं हैं? क्या मैं वहां पर उन पवित्र नदियों के साफ पानी में मैं डुबकी नहीं लगा सकता था? क्या मैं अपने देश की उन पवित्र नदियों में डुबकी नहीं लगा सकता था? मुझे खामखा इतनी दूर आना था जो कि मैं इनके इस यर्दन के पानी में मैं गोता लगाऊं। नामान को चोट लगी। इतना बड़ा सेनापति था, उससे मिलने तक नबी एलिशा नहीं आया, इस बात का उसके अंदर गुस्सा था। वो गुस्से में वापस रोष से भर कर जा रहा था तो उसके सैनिकों ने, उसके दासों ने आकर उससे कहा कि मालिक, अगर आपको कोई बहुत कठिन काम दिया होता तो आप कितनी आसानी से करते, ये तो सरल सा काम दिया है, बस जाना है और पानी में 7 बार अपने आप को धोना है। नामान का गुस्सा शांत हुआ और उसके बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं इस 14वीं आयत के अंदर कि तब नामान ने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और जब वो बाहर आया, लिखा है तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन में जाकर 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तो यूं हम देखते हैं कि परमेश्वर ने असंभव को संभव में बदल दिया और नामान सेनापति के कुष्ठ को दूर करके उसको बिल्कुल चंगा कर दिया। इस तरह अन्य जातियों के एक सेनापति के जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। मैं समझता हूं जब नामान वापस गया होगा अपने स्वदेश तो उसका राजा उसको देखकर चौंक गया होगा, उसके राजा के सारे दरबारी देख करके चौंक गए होंगे, उसके सैनिक सीरिया की प्रजा देखकर चौंक गई होगी। इस तरह पूरे सीरिया में परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की और परमेश्वर ने दिखाया कि कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। यह तो थी कहानी, पर इस कहानी में से मैं और आप क्या क्या सीख सकते हैं, आइए हम 2-4 बातों को परमेश्वर के वचन में से देखें। सबसे पहली बात हम नामान से ही सीखेंगे। नामान एक बहुत बड़ी आशीष से वंचित रह जाता। क्यों? क्योंकि जब एलिशा उससे मिलने नहीं आया तो उसके घमंड को चोट लग गई।
उसके अहम को चोट लग गई, वो झुकना नहीं चाहता था क्योंकि वो सेनापति था। मैं सेनापति, मैं एक ऐसे प्रांत में आया हूं जिसको हमारी सेना ने पराजित किया था, यहां मेरी कदर होनी चाहिए, यहां मेरा आदर होना चाहिए। कैसे हिम्मत हुई इस नबी की कि वो मुझसे मिलने तक नहीं आया, और वो गुस्से में तिल मिलाकर वापस जा रहा था। दूसरी बात, परमेश्वर के दास ने कहा था 7 बार यरदन में डुबकी लगानी है। अब उसने कहा क्यों यरदन, मेरे देश में अबाना नदी है, परपर नदी है, मैं उसमें जाकर डुबकी लगा सकता हूं, क्यों मैं यहां इनके देश की इस नदी में ही गोता लगाऊं, क्यों 7 बार गोता लगाऊं। प्यारे मित्रों, ऐसे ही हम बहुत सी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। क्यों? एक, हमारे घमंड के कारण, और दूसरा हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण। इंसान के सामने तो हम अपना घमंड दिखा सकते हैं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरी पहुंच यहां तक है, मैं इतना ज्ञानी हूं। कई लोगों को उनके कुल की श्रेष्ठता का बड़ा घमंड होता है, पता नहीं मैं कौन से परिवार से आता हूं, और तरह तरह की ऐसी बातें। पर अगर परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख सबको झुकना होगा। इसलिए तो बादशाह दाऊद कहता है, एक टूटा हुआ दिल, एक पिसा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए जरूरी है कि हम विनम्रता को धारण करें, हम प्रभु के सामने टूटे हुए दिल के साथ आए, अपने आप को झुकाकर प्रभु के चरणों में आए। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जितना झुकाएंगे, जितना छोटा करेंगे, उतना ही परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। और दूसरी बात है आज्ञाकारिता। हम में से बहुत लोग अधूरी आज्ञाकारिता के लिए तैयार हो जाते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि अधूरी आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता के बराबर है। शमूएल ने इज़राइल के प्रथम राजा से, शाऊल से कहा, हे शाऊल, क्या तू नहीं जानता कि आज्ञा मानना सबसे बड़े बलिदान से भी ज्यादा उत्तम है? परमेश्वर की बात मानना, परमेश्वर के वचन को मानना सबसे बड़ी भेंटों से, सबसे बड़ी आराधना से उत्तम है। परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर की बात मानना नहीं चाहता, उसकी आराधना क्यों कर परमेश्वर ग्रहण करेगा? अगर प्रभु ने अपने दास के द्वारा, एलिशा के द्वारा यरदन नदी कहा है, अगर प्रभु ने अपने दास एलिशा के द्वारा 7 बार डुबकी लगाने को कहा है, तो यरदन नदी के अलावा कहीं और जाकर डुबकी लगाने से चंगाई नहीं मिलेगी। 7 की जगह 6 बार डुबकी लगाने से भी चंगाई नहीं मिलेगी। वो यरदन नदी ही होनी चाहिए और 7 बार डुबकी लगाना होगा। जब नामान ने परमेश्वर के दास की बात मानी, तब उसने आशीष पाई। वो गुस्से में रोष से भरकर वापस जा रहा था। अगर वापस चला जाता तो उस दिन चंगाई ना पाता। पर उसके दासों ने, उसके सैनिकों ने आकर उससे विनती की कि मालिक, अगर उस नबी ने आपको बहुत कठिन कोई काम दिया होता, आप कितनी आसानी से करते, ये तो सरल सा काम दिया है, इसे आप पूरा कर लो। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के सम्मुख अगर हम झुक कर आएंगे, अगर हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन बनकर आएंगे, अगर उसकी बातों को मानने का समर्पण हमारे अंदर होगा, तो परमेश्वर निश्चय ही अपनी आशीषों से हमें मालामाल करेगा। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं, परमेश्वर के वरदानों को चाहते हैं, अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं, पर परमेश्वर की बातों को मानना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो प्रभु हमें सम्मानित करेगा।
तो ये तो थी नामान की चंगाई की बात, पर हमें यह भी देखना है कि वो चंगाई कैसे हुई। तो मैं आपके ध्यान को उस छोटी लड़की की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसके कहने से ही तो यह सारा काम प्रकट हुआ। उस छोटी सी लड़की पे गौर करें, उसका नाम नहीं लिखा हुआ पर उसका काम लिखा हुआ है। वो कौन थी, क्या नाम था, किस घर से थी, कुछ भी नहीं बताया हुआ, पर उसका काम इस पूरे अध्याय में लिखा हुआ है। यही हमारी भी ख्वाहिश हो कि भले ही हमारा नाम कहीं ना आए, हमारे काम इतने नेक हों कि हमारे कामों का जिक्र होने पाए, परमेश्वर की नजर में हमारे कामों का आदर होने पाए। जब प्रभु हमारे कामों को परखे तो हमारे काम टिकने वाले होने पाए। प्रभु की आशीष हम पर होती रहे। छोटी सी लड़की अपने मां बाप से हट गई, उसके मां बाप के पास से उसको छीन कर ले जाया गया, मां बाप के प्यार से वो दूर है। शायद वो भी सपने संवार रही थी कि मेरी एक बहुत अच्छी शादी होगी और एक बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन शुरू होगा, 15-16 साल की होगी तो यही सपने संवार रही होगी, पर अब उसके सारे सपने टूट चुके हैं। अब वो परदेश में, एक दूसरे देश में, एक दासी का काम, एक गुलाम का काम कर रही है। उसके जीवन में कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। उसको उसके मालिक और मालकिन की बात माननी पड़ेगी। पर प्यारे मित्रों, हम देखते हैं इस अध्याय के अंदर उसके जीवन में कोई अफसोस नहीं है, वो निराशा में नहीं है। उसने ये नहीं पूछा कि मैं इज़राइल की बेटी हूं, मैं इज़राइली हूं, मैं परमेश्वर की कौम से हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ने क्यों मेरे साथ ऐसा अन्याय किया, क्यों हमारा देश हार गया, क्यों मैं अपने मां बाप से बिछड़ गई, क्यों मेरे सपने सारे टूट गए, क्यों मेरे साथ ये अन्याय हुआ। उसने कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया, ना कुड़कुड़ाई, ना बुड़बुड़ाई, बल्कि उस परदेश में भी, उस घर के अंदर, वो परमेश्वर के साथ के रिश्ते में बहुत गहराई में है और वो परमेश्वर की वहां गवाही देती है। उसने गवाही दी कि अगर मेरा स्वामी इज़राइल में चला जाए तो मेरा जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको चंगाई दे सकता है। इसी बात से प्रभावित होकर के राजा से चिट्ठी लेकर के नामान इज़राइल में पहुंचा। प्रभु की महिमा होने पाए। पर इस छोटी सी लड़की की तुलना इज़राइल के राजा से करके देखिए, वो इज़राइल का राजा है, इस छोटी लड़की से कितना ज्यादा उसका ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, परमेश्वर की कैसी गहरी पहचान होनी चाहिए। जब उसके पास चिट्ठी आई कि हमने सुना है कि तुम्हारे इलाके में यह ठीक हो सकता है, तो राजा ने उसको नबी के पास भेजने की बजाय अपने वस्त्र फाड़ लिए और वो रोने चिल्लाने लगा। इज़राइल का राजा है पर इज़राइल के परमेश्वर के साथ उसका संबंध नहीं है, इज़राइल के परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता नहीं है, इज़राइल के परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूटा हुआ है। प्यारे मित्रों, आज कितने ऐसे मसीह लोग हैं जिनका मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो नहीं जानते कि परमेश्वर क्या करना चाहता है और परमेश्वर क्या कर सकता है, इसलिए उनके जीवन को परमेश्वर समाज के अंदर अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आज मैं यही कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने जहां पर भी हमें रखा है, शायद कठिन परिस्थितियों के बीच में रखा होगा। मैं जब इस छोटी लड़की के बारे में सोचता हूं तो एक गुलाब राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू
काफी है। कोई मददगार नहीं जहां में, अब निराशा है घेरे मुझे। कोई मददगार नहीं जहां में, अब निराशा है घेरे मुझे। सहारा देने को, आंसू मिटाने को, तेरे सिवाय प्रभु कोई नहीं। सहारा देने को, आंसू मिटाने को, तेरे सिवाय प्रभु कोई नहीं। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। कब मैं तेरे चेहरे को देखूंगा, आशा से करता हूँ मैं इंतजार। कब मैं तेरे चेहरे को देखूंगा, आशा से करता हूँ मैं इंतजार। जब तक ना आए तू, आंसू सारे मेरे ना मिटेंगे प्राण प्रिय। जब तक ना आए तू, आंसू सारे मेरे ना मिटेंगे प्राण प्रिय। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। प्यारे मित्रों, जो हमारे पास अद्भुत गवाहियां आती हैं, उनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे 103 जबूर में लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम उस महान परमेश्वर की तारीफ करते हैं जो हम नाचीजों की दुआ सुनता है और अद्भुत काम करता है। हमारे बहुत से दर्शक हमसे जुड़ते हैं, फोन पर प्रार्थना करवाते हैं, और फिर जब प्रभु उनके जीवन में काम करता है तो हमें रिस्पांस भेजते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रतिक्रियाओं को मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं। देखिए, कुछ लोगों की गवाही हम सुनते हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है जो पुणे से हमें मिली है, और मैं जानता हूं पुणे में हमारे बहुत से शुभचिंतक हैं। पुणे से बहन कमल खरोटे ने गवाही दी है कि 20 साल पहले इनका पति इन्हें छोड़कर चले गए थे। इनका जीवन पूरी तरह टूटा हुआ था, आशाएं नष्ट हो गई थी। जब इन्होंने पहली बार फोन किया तो इतनी निराश थी कि फोन पर ही हमें समझ में आ रहा था कि कितनी टूटी हुई है। इन्होंने प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई, शिफा प्रेयर टावर में इनके लिए प्रार्थना लगातार चलती रही। धीरे धीरे इनका जीवन बदलने लग गया। इन्होंने हमें फोन करके बताया, 20 साल के बाद इनके पति वापस घर में आ चुके हैं और इनके साथ रहते हैं। बहन बहुत खुश है, लगातार हमारे हर एपिसोड को देखती हैं, वचन सीखती हैं, बहुत उत्साह और सामर्थ पाती हैं, और आज प्रभु की सेवा भी करती हैं। बहन कमल, आपकी गवाही अद्भुत है, और आपकी गवाही से आपको नहीं पता हम कितने प्रोत्साहित होते हैं। इसी तरह पंजाब में मुक्तसर से
पास्टर इमैनुएल की गवाही सुनिए। ये दिल्ली में हमसे मिलने के लिए आए थे और इन्होंने बताया कि ये हमारा प्रोग्राम रेज ऑफ होप बहुत पसंद करते हैं, लगातार देखते हैं, इन्होंने बहुत तारीफ की है और प्रभु को धन्यवाद दिया है और कहा हर एपिसोड के द्वारा इन्होंने आशीष पाई है। इतना ही नहीं, ये अपने चर्च से एक जवान भाई को दिल्ली लाए थे अप्रैल में, जो हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स हुआ था उसमें उनको ट्रेनिंग कराने के लिए, उस भाई ने भी बहुत आशीष पाई है। पुणे से ही एक और गवाही सुनिए, मिसेस एलिजाबेथ, 60 साल से ऊपर इनकी उम्र है। इन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया है कि इनका जीवन बदल चुका है। जब पहली बार हमारे पास इनका कॉल आया था, ये जीवन में बहुत निराश और पूरी तरह टूटी हुई अवस्था में थी। इन्होंने प्रोग्राम देखना शुरू किया और इतना ही नहीं, ईशु ईशु बोलिए और ईशु पार लगाए, हमारी जो सीडीज हैं दोनों मंगवाई और लगातार प्रभु के गीतों को सुनती रहती हैं। इन गीतों के द्वारा प्रभु ने उनके उनका हौसला बढ़ाया। आज इनका जीवन बदल चुका है, प्रभु ने इनको चंगाई दी और इनके पति को भी आशीष दी। आज ये प्रभु की सेवा भी करने में रुचि रखती है। धन्यवाद मिसेस एलिजाबेथ, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इनके दामाद ने भी मुझसे बात की थी और कहा कि इस प्रोग्राम के द्वारा उनकी सासू मां बहुत आशीष पा रही है। थैंक यू सो मच। कर्नाटक से बहन शकीला की भी गवाही सुन लीजिए। इन्होंने हमें बताया कि कई महीनों से इनके पति को नौकरी नहीं मिल रही थी, पति के साथ रिश्ता भी सही नहीं था, घर में झगड़े भी होते थे। इन्होंने प्रार्थना करवाई, शिफा प्रेयर टावर में इनके लिए प्रार्थना होती थी। कुछ ही दिनों में इनके पति को अच्छी नौकरी मिल गई और अब बहन का इनके पति के साथ रिश्ता अच्छा है, प्रभु को महिमा मिले। ये गैर मसीह परंपरा से प्रभु में आई है और आज कलीसिया में भी जाकर आशीष पाती है। बहन शकीला, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं कि कर्नाटक से बहुत लोग इस कार्यक्रम को देखकर और आशीष पाते रहें। दिल्ली के नेहरू प्लेस से भी एक गवाही हमारे पास आई है, वो भी आप सुने, भाई सुमित की, कि एक दिन इनकी मम्मी बगैर बताए घर से किसी कारणवश निकल गई, चली गई। 5-6 घंटों तक कुछ भी पता नहीं था कि कहां है, कोई खबर नहीं थी। ऐसे में प्रोग्राम देखते थे, इनके पास शिफा प्रेयर टावर का नंबर था, इन्होंने कॉल किया, प्रार्थना करवाई और देखिए प्रभु ने कैसा अचंभा काम किया। कुछ ही देर के बाद इनकी मम्मी घर पे आ गई और भाई सुमित ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ब्रदर सुमित, प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। प्यारे दर्शकों, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं के द्वारा हमारी पूरी टीम उत्साहित होती है। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे और आपके प्रार्थना निवेदन आप हमें SMS करें या ईमेल करें या स्क्रीन पर जो हमारा टेलीफोन नंबर दिखाया जाता है उस पर फोन करके शिफा प्रेयर टावर में संपर्क करें, अपने लिए प्रार्थना करवाएं। आपके लिए प्रार्थना होगी, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। गॉड ब्लेस यू।